बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। अच्छा, ये मेरी वो क्यारियाँ हैं जहाँ से मैंने गार्डनिंग शुरू की थी। दो तीन साल हो गए मुझे गार्डनिंग करते हुए। उससे पहले मेरा 7 से 8 साल का तजुर्बा है गार्डनिंग का, और मैंने तकरीबन सारी सब्जियाँ घर पर उगाई हुई हैं, काफ़ी सारे फूल घर पर उगाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास इनकी बीमारियों का, इनकी अफजाइश का, इनकी हर चीज़ का, कि पौधों को कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, पौधों की ग्रोथ रुक जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है। और यही चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। इन क्यारियों के अंदर मैंने गर्मियों की सब्जियां लगाई हुई थी, वो मौसम चला गया है और मैंने लगानी है सर्दियों की सब्जियां, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ दिन पहले भी हमने इसके साथ साथ से घास काटा था। ये मेरे पास भिंडी लगी हुई थी जो कि मैंने सारी उखाड़ दी है, और वहाँ सामने कुछ मिर्चों के पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, उनको मैंने उखाड़ दी है। और ये साथ वाली मिर्ची हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हैं अभी, और ये इंशाल्लाह हम इनको सर्दियों के अंदर चलाने की कोशिश करेंगे। ये निकालने वाले जितने पौधे थे वो सारे मैंने निकाल दिए हैं, तो अभी जगह हमारे पास काफ़ी साफ हो गई है। इंशाल्लाह इसकी खुदाई करते हैं एक साइड से और आपको दिखाते हैं। चेक करें, जब हमने जगह सारी खोद ली है और यहाँ पर 3 पौधे थे शहतूत के, 2 हमने ट्रांसफर कर दिए और 1 यहीं पर रह गया। और ये 2 पौधे हमारे पास दरेक के, और ये क्यारियाँ हमारी देख लें, सारी जगह हमने खोद ली है। ये दरमियान में हमारे पास लगी हुई है मूलियाँ, इसलिए हमने इस जगह को नहीं छेड़ा। और अभी इसकी करते हैं पार्टीशन, सारी क्यारियाँ बनाते हैं जिस तरह हमने बनानी है, और साथ साथ आप देखें। और ये क्यारियाँ हम इंशाल्लाह यहाँ पर कुछ लगाएंगे सब्जियाँ अभी सर्दियों की।
देखें जी माशाल्लाह हमारी क्यारियां बड़ी बेहतरीन तैयार हो चुकी हैं। अभी इनकी दोबारा खुदाई करनी है एक दफ़ा, लेकिन यहाँ पर कुछ गोबर की खाद डालनी है और कुछ बूरा डालना है और कुछ एक दो खादें और डालनी है। वो डाल के उसके बाद दोबारा खुदाई करेंगे, उसके बाद ये हमारी ज़मीन काश्तकारी के लिए तैयार हो जाएगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।